हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सबका स्वागत है परिवर्तन आईएएस परिवार में। और आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट वीडियो के थ्रू। बारक ने एक स्टडी कनेक्ट करवाई है। बारक बेसिकली बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की एक फुल फॉर्म होगी बारक की। और इस स्टडी के अंदर उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया है कि टोटल जो 100 सैंपल उन्होंने लिए उसमें से 83% सैंपल्स के अंदर, वाटर सैंपल्स के अंदर जो है यूरेनियम आपको देखने को मिले इन्होंने। और इस स्टडी की फाइंडिंग्स क्या है, स्टडी के अंदर उन्होंने क्या चीज़ें बताई है, मेन पॉइंट्स क्या है, उनके बारे में तो हम डेफिनेटली पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें होनी चाहिए ताकि हम कनेक्ट कर पाएँ रिसेंट स्टडी को। सबसे पहले यूरेनियम बेसिकली होता क्या है। यूरेनियम जो एक हैवीएस्ट नेचुरली अकरिंग एलिमेंट बोल सकते हैं, या आप इसको हैवी एलिमेंट या हैवी मेटल की तरह भी आप इसको बोल सकते हैं, जिसमें दो आइसोटोप होते हैं। पहला फर्टाइल U238 है और दूसरा जो है फिजाइल U235 है। ठीक है, तो ये वाला जो है U238 ये कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है 99.2% के आसपास टोटल मास को, और U235 जो है ये लगभग 0.7% के आसपास ये कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब बात करते हैं यूरेनियम के एप्लीकेशंस के, यानी यूरेनियम यूज़ कहाँ पर किया जाता है। यूरेनियम सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स में और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन को लेकर। इनके अलावा दुनिया भर की जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है उसमें 14% का ये रोल प्ले करता है। इनके अलावा यूरेनियम जो है वो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में भी यूज़ किया जाता है, अलग अलग एप्लीकेशंस भी है। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन तो है ही, दूसरा जैसे मेडिसिन सेक्टर के अंदर भी यूज़ किया जाता है। जो रेडियो आइसोटोप है उनका डायग्नोसिस और रिसर्च के अंदर यूज़ किया जा सकता है, और इन कोई डिजीज़ के अगेंस्ट उनको डिटेक्ट करना, इंजेक्ट करना रेडियो एलिमेंट्स में, ताकि इस तरह के खासकर रेडियोथेरेपी के थ्रू कैंसर सेल्स को किल करना, या रेडियो एक्टिव ड्रग्स के थ्रू टारगेट करना स्पेसिफिक ऑर्गन्स को, उन सेक्टर में भी इसका मेडिसिन सेक्टर में यूज़ किया जा सकता है। एप्लीकेशन इसका आपको देखने को मिलेगा। थर्ड ये है, फर्स्ट हो गया इसके इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, मेडिसिन, और थर्ड आएगा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंदर। रेडियो आइसोटोप जो है उसको यूज़ किया जाता है स्टेलाइज करने में फ्रेश प्रोडक्ट को, ताकि उनको पैरासाइट बोलते हैं, पेस्ट बैक्टीरिया, इन इस तरह के जो एक तरीके से इरिडेशन के थ्रू उनको किल किया जाता है, ताकि किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी फूड आइटम्स की जो लाइफ को, सेल्फ लाइफ को और इंक्रीज कर सके या उसको सेव कर सके डैमेज होने से, ख़राब होने से। तो यहाँ पर भी इसमें यूज़ किया जाता है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है, चैप्टर होगा आपके UPSC पेपर 3 के अंदर। इसके अलावा इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर यूज़ किया जाता है, जैसे एक्सरे रिक्वायरमेंट के लिए, या इसमें मेटल, जितनी मेटल रिलेटेड इंडस्ट्रीज है, ऑटोमोबाइल्स है, एरोनॉटिक्स है, इस तरह की चीज़ों के लिए, सेफ्टी और क्वालिटी के लिए ये बेसिकली यूज़ किया जाता है। स्पेस इंडस्ट्री के लिए यूज़ किया जाता है। स्पेस इंडस्ट्री में जो इसमें एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है और इसमें कैसे ऑपरेट करता है सिस्टम को, उसमें इसका यूज़ किया जाता है। हिस्ट्री एंड कल्चर को अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए, फॉर एग्जांपल कार्बन 14 जो है उसके थ्रू भी इसमें यूज़ किया जाता है, ताकि आर्कियोलॉजिकल जो है उसमें एस्टिमेशन किया जा सके कि पर्टिकुलर आइटम की एज कितनी थी, यानी C14 के थ्रू भी इसका यूज़ किया जाता है। ये कुछ बेसिक चीज़ें आपको देखने को मिलेगी यूरेनियम के कॉन्टेक्स्ट में। अब बात करते हैं कि यूरेनियम वाटर के अंदर आता है कैसे, पानी में यूरेनियम आता कहाँ से। तो यूरेनियम जो है वो लीचिंग के थ्रू, चाहे वो सोयल हो, रॉक्स हो, उनके थ्रू जो रिलीज किया जाता है प्रोसेसिंग प्लांट्स में, और इन रिलीजिंग फ्रॉम प्रोसेसिंग प्लांट, यानी प्रोसेसिंग प्लांट्स के थ्रू भी हो सकता है, या मिट्टी से या चट्टानों से भी लीच होकर ये वाटर के अंदर जा सकता है। और इसके अंदर दूसरे रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस भी हमें देखने को मिल सकते हैं, जैसे रेडियम है, और रेडियम की वजह से जो है कैंसर जैसी चीज़ें भी आपको देखने को मिलती है। यानी जो यूरेनियम का सबसे बड़ा, अगर ब्रॉड आप इम्पैक्ट देखेंगे तो उसका कैंसर जैसी चीज़ें, या कैंसर इससे ये कोज कर सकता है। लेकिन अगर आप बात करते हैं पर्टिकुलर कि वाटर में अगर यूरेनियम होगा एक लिमिट से ज़्यादा, मैं बोल रहा हूँ वो पानी में यूरेनियम होना और पानी में एक लिमिट से ज़्यादा यूरेनियम होना, दोनों में डिफरेंस है। अगर आप प्रिस्क्राइब लिमिट्स में हैं तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर वो प्रिस्क्राइब लिमिट क्रॉस कर रहा है इसका मतलब ये है कि वो चैलेंजिंग है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे, अगर यूरेनियम की रिच जो होगी वो कहीं ना कहीं एक एक्सटेंड करता है, या जो प्रिस्क्राइब लिमिट होती है जो सेट की जाती है उससे अगर ज़्यादा होता है तो ये ह्यूमन हेल्थ को इम्पेक्ट कर सकता है, और इसकी वजह से कैंसर तो है ही, हो सकती है। दूसरा जो है कॉर्निक किडनी डिजीज़, मैं पर्टिकुलर ड्रिंकिंग वाटर की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर यूरेनियम के कॉन्टेक्स्ट में नहीं, ड्रिंकिंग वाटर जो होता है उसमें यूरेनियम अगर एक लिमिट से ज़्यादा है तो उसकी वजह से कॉर्निक किडनी डिजीज़ हो सकते हैं।
डिफॉर्मिटी ऑफ बोन हो सकती है और लीवर, इनको ये जो है डैमेज कर सकता है अगर पानी में इसकी लिमिट ज़्यादा होती है। अब बात करते हैं बारक ने जो स्टडी कंडक्ट करवाई उसका पर्पज़ क्या है, उसमें मेजर मेजर चीज़ें क्या है। भले ही 83% सैंपल के अंदर जो है यूरेनियम की एनरिचमेंट या यूरेनियम की रिच आपको देखने को मिलेगी, प्रेजेंस देखने को मिलेगी, लेकिन इसी स्टडी के अंदर बार्क ने कहा कि यूरेनियम कंटेंट इन 98% ऑफ ग्राउंड वाटर सैंपल, यानी जो भूजल स्तर है उसमें से 98% जो सैंपल मिले हैं वो विद इन द नेशनल लिमिट है, यानी वो एक नेशनल लिमिट के अंदर। इसीलिए बोला गया है कि आप फ्रंट में भी देखेंगे, मैंने ऊपर लिखा भी है कि स्टडी के अंदर ये तो मिला है कि 83% के अंदर कहीं ना कहीं यूरेनियम है, लेकिन 98% सैंपल्स में वो नेशनल लिमिट जो प्रिस्क्राइब की गई उसके अकॉर्डिंग है। और ये लिमिट सेट की गई है एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड फॉर रेडियोलॉजिकल सेफ्टी, ठीक है, तो ये आप बॉडी जो याद रखेंगे। इसके बाद यूरेनियम में जो डिटेक्ट किया गया 83.6% के आसपास जो सैंपल है उस टोटल सैंपल्स में से कहीं ना कहीं यूरेनियम आपको देखने को मिलेगा। और टोटल जो सैंपल कलेक्ट किए गए थे 55,554, लगभग आप 55,000 बोल सकते हैं, और इसमें सरफेस वाटर से भी और ग्राउंड वाटर दोनों से सैंपल को कलेक्ट किया गया। सरफेस वाटर का मतलब है जो आपको विजिबल होगा प्रॉपरली, जैसे रिवर हो सकती है, लेक्स हो सकती है। ग्राउंड वाटर है जो एक ज़मीन के नीचे जो पानी होगा उसको ग्राउंड वाटर में आप उसको कंसिस्ट कर सकते हैं, मान सकते हैं। इसमें इस स्टडी के अंदर पाया गया कि जो 12 वाटर क्वालिटी पैरामीटर है जो अंडरस्टैंड करते हैं बेसिकली जियोकेमिकल प्रोसेस को, यूरेनियम कंटेंट को, उनमें से 8 जो है वो कहीं ना कहीं एक्सीड कर रहे हैं लिमिट्स को। यानी जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा जो ड्रिंकिंग वाटर के अंदर लिमिट सेट की गई है, 12 में से 8 ऐसे इंडी पैरामीटर है जो कि क्रॉस कर रहे हैं या उसको कहीं ना कहीं एक तरीके से आप देखेंगे एक्सीड कर रहे हैं उस लिमिट को, जिसमें सल्फेट है, क्लोराइड है, नाइट्रेट है, फ्लोराइड है, टोटल डिजोल्ड सॉलिड्स है, एल्कलिनिटी है या हार्डनेस है, ये कहीं ना कहीं जो प्रिस्क्राइब लिमिट है उसको क्रॉस करते हुए नजर आएंगे, एक्सीड करते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर परसेंटेज में बताया गया, ये आप अगर नंबर याद कर सकते हो आप इसको पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में रिलेट कर सकते हैं। इसके बाद सेम चीज़ें कि 98% में जो सैंपल्स लिए गए वो विद इन नेशनल लिमिट है। इसके बाद डिजोल्ड यूरेनियम कंटेंट के बारे में बताया गया कि ये कहीं ना कहीं अपवर्ड ट्रेंड को शो करता है, और जो टोटल डिजोल्ड सॉलिड है और डेप्थ ऑफ द वाटर सोर्सेज के मामले में ये भी कहीं ना कहीं। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट स्टडी है, यहाँ पर आप देखेंगे नो सरफेस वाटर सैंपल एक्सीड द प्रिस्क्राइब रेगुलेटरी लिमिट, यानी जो सरफेस वाटर है, जो भूजल है, सॉरी भूजल नहीं, जो एक तरीके से सरफेस पे हमें वाटर देखने को मिलता है वो कहीं ना कहीं प्रिस्क्राइब लिमिट को क्रॉस करता हुआ, सैंपल को क्रॉस करता हुआ नजर नहीं आएगा। इस तरह कोई सैंपल नहीं है डिजोल्ड यूरेनियम के कॉन्टेक्स्ट में। इसके बाद यहाँ पर स्टडी के अंदर ये इसमें परसेंटेज बताया गया कि जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा जो रिकमेंडेड है उसमें क्या स्टडी करी गई और उस कॉन्टेक्स्ट में कितने परसेंट इंक्रीज या कितने परसेंट एक्सीड कर रहा है लिमिट्स के मामले में। लास्ट में इन्होंने बोला कि अबाउट 2% ऑफ ग्राउंड वाटर सैंपल एक्सीड द AERB, यानी जो टोटल ग्राउंड वाटर है उसमें भी केवल 2% सैंपल ऐसे हैं जो कि AERB यानी जो एक स्टैंडर्ड सेट किया गया है एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड द्वारा उसको क्रॉस कर रहे हैं, उसको एक्सीड कर रहे हैं, ठीक है, और सरफेस वाटर के मामले में ऐसा सैंपल्स नहीं है। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो इस स्टडी के बारे में हमने डिस्कशन किया कि यूरेनियम बेसिकली क्या होता है, एप्लीकेशन क्या है, इफेक्ट क्या पड़ सकता है, बॉडी पर कैसे इम्पैक्ट कर सकता है, वाटर के अंदर कैसे आता है, और बार्क ने जो स्टडी कंडक्ट की उसमें मेजर फाइंडिंग उनकी क्या है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी ब्रीफ में। थैंक यू ऑल। जय हिंद।